नमस्कार दोस्तों, आप लोग का मैं फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना चाहते हैं और आपके घर में सरकारी नौकरी है तो आप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में जैसा कि अभी हम बताएं कि जिनके घर में सरकारी नौकरी है वो क्या विश्वकर्मा योजना का फॉर्म को भर सकता है, लाभ ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखते रहिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर कल एक वीडियो बनाया गया था कि पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 कैसे मिलेगा लाभ बनवाने से पहले, समझे आसानी भाषा में। तो दोस्तों, ऐसे अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ये देख लीजिए वीडियो। Sometimes I need to paraphrase. It's easy to make your work clearer and more concise. तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको ज़रूर आकर देख लेना है, क्योंकि इसमें आपको आसानी से बताया गया है, आसान भाषा में बताया गया है कि कैसे आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वीडियो में बताएंगे कि क्या आपके घर में सरकारी नौकरी अगर है तो आप इस फार्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें साफ शब्दों में, जिनके घर में सरकारी नौकरी है वो पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। आपके घर में कोई एक परिवार में एक लोग नौकरी करते हैं तो उस परिवार के लोग इस सरकारी योजना यानी कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ है वो नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये बात आपको बतानी थी, बस ये छोटी सी हमारी वीडियो थी इसी बात को बताने के लिए। तो दोस्तों, अगर हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आकर इस विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।